जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है उसमें कैसे इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान की टीम की धज्जियां उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत टेस्ट क्रिकेट में आज से पहले नहीं देखी गई। तो जानेंगे इसी के बारे में पूरी जानकारी और साथ में आपको पूरे मैच का हाल भी बताएंगे, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा। और वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जो दूसरी बड़ी खबर होगी वो महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड होगी। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सामने आई महेंद्र सिंह धोनी की वापसी की तारीख, इतने दिनों बाद विदेश होंगे रवाना, तो इस बड़ी खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। और महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी है ये। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, आईसीसी का बड़ा फैसला, 2021 का T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होगा, तो इस बड़ी खबर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, तो वहीं जो टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है वो ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। तो वहीं बात करें इस टेस्ट मुकाबले की, तो ये जो टेस्ट मुकाबला है वो 5 अगस्त से शुरू हुआ है। तो वहीं हम आपको बताएं कि पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली ने टॉस जीतते हुए इस टेस्ट मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जहां पर पहले इनिंग में तो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर गुजर गई। जी हां दोस्तों, यहां पर शाह महसूद ने 156 रनों की शानदार पारी खेली थी, हालांकि कप्तान तो कुछ पाकिस्तान के कर नहीं पाए। और वहीं अबीद अली 16 रन बनाकर आउट हो गए और बाबर आजम ने 69 रनों की बेहतरीन पारी खेली। बाकी शादाब खान ने 45 रन बनाए थे पहली पारी में और इसी के साथ पाकिस्तान की टीम का जो स्कोर था वो 326 रनों का बना पूरे 10 विकेट के नुकसान पर। और वहीं फिर जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम। जहां दोस्तों, पहली इनिंग में तो इंग्लैंड की टीम ने कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं किया। इंग्लैंड की तरफ से ओली पॉप ने 62 रनों की बेहतरीन पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 8 चौके भी लगाए थे। और बाकी अगर हम सारी लिस्ट देखें तो इसमें किसी भी बल्लेबाज ने कुछ भी ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं किया, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम मात्र 219 रन ही बना सकी। लेकिन फिर बात आई सेकंड इनिंग की। जी हां दोस्तों, सेकंड इनिंग में जब पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी ना, उसके बाद तो मानो इंग्लैंड की टीम ने अपना पुराना वाला जलवा दिखा दिया कि आखिरकार क्यों उन्हें विश्व विजेता टीम कहा जाता है। जी हां दोस्तों, पहली पारी में 107 रनों से पिछड़ने के बाद तेज गेंदबाजों की तिकड़ी ने दूसरी पारी में पाकिस्तान को पूरी तरीके से ढेर कर दिया है। जी हां, जैसा कि आप सब यहां पर देख पा रहे होंगे स्कोर कार्ड में, तो पाकिस्तान टीम की तरफ से सेकंड इनिंग में शाह महसूद 0 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं आबिद अली ने 20 रन बनाए और वहीं कप्तान अजहर अली 18 रन बनाकर आउट हुए और वहीं बाबर आजम, जिन्हें सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक माना जाता है आज के समय में, वो 5 रन बनाकर आउट हुए। बाकी पाकिस्तान की टीम से कोई भी खिलाड़ी 30 से ज्यादा का स्कोर तो बना ही नहीं पाया। और इसी के साथ पाकिस्तान की पूरी टीम अपने 8 विकेट खो बैठी 137 रनों पर ही, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में देख पा रहे होंगे। और वहीं यहां पर बोलवाला देखने के लिए मिला इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने 2 विकेट हासिल किए, तो वहीं क्रिस वॉक्स ने भी 2 विकेट हासिल किए, बेन स्टॉक्स ने मात्र 4 ओवर डाले और जिसमें उन्होंने 11 रन दिए और 2 विकेट हासिल किए। और वहीं बात करें डॉम बेस की, तो डॉम बेस ने 1 विकेट हासिल किया। और वहीं बात करें जोफ्रा आर्चर की, तो जोफ्रा आर्चर ने 5 ओवर डाले और उन्हें 0 विकेट अभी मिला है। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक ना चली और अब मात्र पाकिस्तान की जो टीम है वो 244 रनों से ही लीड में आगे चल रही है। और आप सभी को तो पता है अभी 2 दिन का खेल बच रहा है और जिसके चलते इंग्लैंड की टीम हो सकता है कि पहले टेस्ट मुकाबले में अच्छी खासी जीत हासिल कर ले। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इंग्लैंड की टीम के बारे में, आप क्या सोचते हो, क्या पहले टेस्ट मुकाबले को इंग्लैंड की टीम जीत पाएगी या फिर नहीं, और आप किस टीम के साथ हो, इंग्लैंड के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, सामने आई महेंद्र सिंह धोनी की वापसी की तारीख। जी हां दोस्तों, इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का इंतजार हर किसी को है और वहीं इस महामारी के फैलने के बाद से भारतीय क्रिकेट टीम ने कोई भी मैच नहीं खेला है और इस टूर्नामेंट के जरिए भारतीय खिलाड़ियों की मैदान पर वापसी होगी। और वहीं लोगों में सबसे ज्यादा उत्सुकता पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा से खेलते हुए देखने की है। और वहीं हम आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी 22 अगस्त को, जी हां दोस्तों, आप सभी नोट करिएगा कि 22 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी UAE के लिए रवाना होने वाले हैं। ये ऑफिशियली चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजीज की तरफ से अनाउंस किया गया है और वो वहां पर जाकर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में
रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि महेंद्र सिंह धोनी यूएई में जाकर आप सभी को प्रैक्टिस करते हुए आप दिखाई देने वाले हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, आईसीसी का बड़ा फैसला, 2021 का T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होगा। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई बैठक में फैसला किया है कि 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसको पूर्व कार्यक्रम के अनुसार भारत में ही आयोजित किया जाएगा। जबकि विश्वव्यापी इस महामारी के कारण ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्थगित किया गया 2020 का T20 वर्ल्ड कप अब 2022 में होगा। और वहीं आईसीसी ने अपनी बैठक में एक और बड़ा फैसला लेते हुए बताया कि अगले साल फरवरी मार्च में न्यूजीलैंड में होने वाला महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप इस महामारी के कारण मार्च 2022 तक स्थगित किया गया है। और शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख भी शरीक हुए। और वहीं हम आपको बताएं कि आईसीसी की इस बैठक में लिए गए फैसले का सीधा मतलब यही है कि जो भारत में 2021 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला था वो भारत ही उसकी मेजबानी अब करता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ वह तय कार्यक्रम के अनुसार 2023 में भी आईसीसी के एक दिवसीय वर्ल्ड कप का भी मेजबानी होगा। और यानी कि एक साल के अंतराल में भारत में दो वर्ल्ड कप आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में 19 सितंबर से होने वाला है और इसके लिए यूएई में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं एक तरफ जहां पर यूएई में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तो अब इंडिया में भी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो अपनी टीमों को तैयार करने में जुट गई हैं और खिलाड़ियों ने भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। जैसा कि हमने आपको पिछली खबरों में बताया कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना सभी खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोस भी वायरल होते रहते हैं। तो वहीं इसी बीच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में जो 19 सितंबर को है वो पहला मुकाबला खेला जाएगा और ये जो मुकाबला होगा वो शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। तो वहीं हम आपको बता दें कि जो इस बार के आईपीएल के मुकाबले होने वाले हैं वो 19 सितंबर से 10 नवंबर तक चलेंगे, जहां पर हर किसी के मन में आशंका होगी कि इस बार आखिरकार कौन सी टीम जो होगी वो फाइनलिस्ट होगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि आईपीएल के मुकाबलों में मुंबई इंडियंस और सीएसके की टीम सबसे ज्यादा मजबूत टीमें नजर आती हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है पहला मुकाबला भी इन दोनों मजबूत टीमों के बीच में ही खेला जाने वाला है। बाकी आपको तो पता ही है कि इन दोनों ही टीम प्लेइंग 11 टीम है और चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 टीम है। इन दोनों ही टीमों में से कौन सी ज्यादा टीम खतरनाक साबित हो रही है, तो आइए चलिए पहले हम बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी यहां पर चेन्नई सुपर किंग की टीम के खिलाड़ियों को देख पा रहे होंगे, तो इसमें जो प्लेइंग 11 टीम होगी वो कुछ इस प्रकार, कुरन और रविंद्र जडेजा, और जो बॉलिंग ऑर्डर संभालते हो हम सभी को नजर आएंगे वो होंगे दीप, प्लेइंग 11 टीम भी देख सकते हो। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तले वो दिखाई देंगे रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक। जी हां दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। और वहीं जो मिडिल ऑर्डर संभालेंगे मुंबई इंडियंस टीम का वो होंगे सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। तो वहीं बात करें ऑलराउंडरों की, तो ऑलराउंडर जो खिलाड़ी होंगे मुंबई इंडियंस की टीम में वो होंगे किरण पोलार्ड, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या। और वहीं बात करें बॉलरों की, तो जो बॉलर खिलाड़ी होंगे वो होंगे राहुल चहर, जसप्रीत बुमराह, लेसित मलिंगा और ट्रेंट बोल्ट। तो दोस्तों सीएसके और मुंबई इंडियंस की अगर टीमों को मिला दिया जाए तो ज्यादा खतरनाक टीम अब आप हमें बताइए कि आपको कौन सी लगती है। बाकी आपके सामने पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई जा रही है, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, बिना बैट पकड़े यह मेरे करियर का सबसे लंबा गैप है, रोहित शर्मा ने दिया ये भावुक बयान। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि इस महामारी की वजह से दुनिया भर में काफी लंबे समय तक लॉकडाउन रहा और खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी रहा है। तो वही हम आपको बताएं कि भारत में मार्च से ही लॉकडाउन लागू हो गया था और इस वजह से खिलाड़ी खेल के मैदान से दूर रहे और अब खिलाड़ी धीरे धीरे इससे उभरने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी को लेकर ESPN क्रिकेट इन्फो से बात करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि ज्यादातर खिलाड़ियों को क्रिकेट के मैदान से दूर हुए 5 महीने का समय हो गया है। रोहित ने कहा कि यह उनके करियर का सबसे लंबा गैप है जिसमें उन्होंने बल्ला तक नहीं पकड़ा है, यह चैलेंजिंग होने वाला है। मैं इस समय शारीरिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।